से पहले हम बात करते हैं मुल्की सियासी सूरत हाल का, जिसका अहवाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात कराने का उसूली फैसला हो गया है। निगरान हुकूमत के तवील होने के सारे मफरूजे अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम इंतखाबात की हतमी तारीख के हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत जारी है और कवी इम्कान है कि जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते से लेकर फरवरी के दूसरे हफ्ते के दरमियान किसी भी दिन आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो एक तरफ जहां आम इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, वहीं पर सारे सियासी दावपेच भी अब तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बिठाना चाहते हैं और मियां साहब अपना सफ़र वहीं से शुरू करें जहाँ से ये सफ़र ख़त्म हुआ था जुलाई 2017 में। तो मुमकिन तौर पर 15 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी हो रही है, ये भी चहमगोइयाँ नज़र आ रही हैं और उनके इस्तकबाल की तैयारियों का भी बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। बात कर लें अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की, तो वो भी इंतखाबात से कबल पंजाब पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने का फ़ैसला कर चुकी है और ऐलान सामने आया है कि CAC की मीटिंग होगी, ये लाहौर में इजलास होगा और वहीं से आगाज़ होगा। इससे पहले मुशावरत हो चुकी है, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी लाहौर का दौरा करेंगे। तो यूँ महसूस हो कि पंजाब के हवाले से भी खासी पोजेसिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिससे पहले वहां पर उनकी जो कारकर्दगी है वो मायूस कुन रही थी। तो पंजाब की सियासत पर भी अपने पंजे जमाने के लिए अब सारी जमातें बेचैन हैं, मगर सवाल यहां पर यह है कि नून लीग के पास तो मियां साहब की बेहतरीन सियासी एकाद है उनकी वापसी के हवाले से, लेकिन पीपल्स पार्टी इंतखाबात में कौन सा कार्ड इस्तेमाल करेगी? इंतखाबात से कबल हम देख रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई महंगाई की लहर ने किसी हद तक वोटर को भी मायूस किया है। तो क्या बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इंतखाबात का टर्न आउट मुतासिर हो सकता है माजी की निस्बत, और तख्ते लाहौर पर मुल्की सियासत जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज भी होती है वो क्या किरदार अदा करता है? तो तख्ते लाहौर पर क्या पीपल्स पार्टी नून लीग को मात देती हुई नज़र आ रही है, या एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ ही बाजी ले जाएंगे? नए इंतखाबात के सारे मामलात हैं जिसके तहत नई आने वाली हुकूमत क्या मखलूत होगी, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। PTI का क्या मुस्तकबिल होगा जो अभी मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।